तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अनादि टीवी में। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां पर हदरावाला स्टेशन का विस्तारीकरण होगा। करोड़ों की लागत से स्टेशन का कायाकल्प होगा, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा उपलब्ध कराने पर फोकस किया जाएगा। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। तो देखिए, स्टेशन का आधुनिकीकरण लेकर लगातार प्रयास भी किया जा रहा था। केंद्र सरकार की योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, और इसी को सफल बनाने के लिए और इसी के तहत अब हदरावाला स्टेशन का विस्तारीकरण किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी लेंगे सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, हर्रावाला स्टेशन के साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड के तमाम स्टेशनों की बात कर ली जाए, तो एक संकल्प राज्य सरकार की ओर से लिया गया था, और अब ऐसे में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसी संकल्प को अब कायाकल्प में परिवर्तित किया जा रहा है। देखिए, पहले से ही जब कुछ समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बातचीत की थी, और मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने भी ये भरोसा दिलाया था कि जो प्रस्ताव राज्य सरकार के केंद्र को मिलेंगे उस पर सहमति दी जाएगी। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने जब केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की, तो उस दौरान भी कई प्रस्ताव रेल से संबंधित रखे गए हैं। और जो हर्रावाला रेलवे स्टेशन है, इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसको एक उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी कायाकल्प की जाएगी। क्योंकि जो देहरादून सिटी का रेलवे स्टेशन है, ट्रैफिक की आए दिन यहाँ समस्या रहती है, तो कहीं ना कहीं जब हर्रावाला रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा तो उत्तराखंड के लोगों को, बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड खासतौर से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैफिक से निजात मिल सकेगी। और इसके लिए जो धन है, जो उसका प्रावधान कर लिया गया है, और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि एक एयरपोर्ट जैसी जो सुविधाएं हैं, जैसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती, उसी स्तर की इस मॉडर्नाइजेशन के रूप में वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो रेल की अन्य योजनाएं हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे उनको क्रियान्वयन किया जा सकता है, इस पर भी जो रेलवे विभाग है, उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारी हैं, एक बेहतर समन्वय स्थापित कर रहे हैं। चूंकि सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में पर्वतीय क्षेत्रों में भी रेल को ले जाया जाए, और इसके लिए 125 किलोमीटर की एक परियोजना पहले से ही चल रही है, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जानी है, और जो यहाँ के विश्व प्रसिद्ध चार धाम है, उनको कैसे रेल मार्ग से जोड़ा जाए ताकि यात्रियों के लिए जो आवाजाही है वो आसान हो जाए। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और हर्रावाला रेलवे स्टेशन का निश्चित तौर पर जब आने वाले समय में कायाकल्प होगी, तो इसका फायदा यात्रियों को मिलेगा और उत्तराखंड के लोगों को भी ट्रैफिक से निजात मिल पाएगी। जी बिल्कुल। तो सोनू, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो हर्रावाला स्टेशन का विस्तारीकरण किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई राज्यों के स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया था, और इसी में से उत्तराखंड का एक हर्रावाला स्टेशन भी शामिल था, जिसका अब विस्तारीकरण किया जाएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार।